सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साइड में दिए गए बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि अगली जानकारी आपको समय पर मिले। आज हम लेकर आए हैं ग्वार की फलियों की सब्जी। बहुत ही शानदार सब्जी बनती है दोस्तों, ये गर्मियों में अवश्य खानी चाहिए इसे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है और इसमें विटामिन प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। हेलो फ्रेंड्स, माय डिश माय तड़का तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार की फलियों की सब्जी। ये देखिए, जिसको अच्छे से धो के हमने इसके आगे पीछे के डंठल को अलग कर दिया है और दो हिस्सों में काट लिया है। और इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। दो मिर्च जिनको बारीक कर लिया है, दो प्याज जिनको छोटे पीसों में काट लिया है, और ये देखिए स्वाद अनुसार नमक लेंगे, आधा चम्मच हल्दी का और दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, पांच छह करी पत्ता लिया है और 8-10 कलियां लहसुन की जिनको ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए, और चुटकी भर हींग ली है, और आधा चम्मच मेथी का, और थोड़ा गरम मसाला। और आज दही में बनाएंगे, टमाटर नहीं डालेंगे दोस्तों, और एक बड़ा चम्मच तेल काम में लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे, ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हींग डालेंगे और इसके बाद मेथी डालेंगे और लहसुन का जो पेस्ट है वो डालेंगे, मिर्च है, प्याज है, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से इसको मिलाएंगे और गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखेंगे ताकि लगे नहीं। अब इसमें करी पत्ता डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए प्याज हल्के भूरे होने लगे हैं। अब इसमें ग्वार की जो कटी हुई फलियां डालेंगे, इनको अच्छे से मिला देंगे, मसालेंगे। देखिए दोस्तों, इस सब्जी को आप दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो उबाल कर बना सकते हैं और एक सीधा बना सकते हैं। आज हम सीधा बनाकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि उबालने से इसके विटामिन से जो खत्म हो जाते हैं, इसका टेस्ट जो कम हो जाता है, इसलिए आज सीधा बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, फलियां हैं जो तेल छोड़ने लगी हैं। अब इसमें हल्दी डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, इनको अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी दोस्तों, इस प्रकार से बनाने से बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। एक चम्मच लाल मिर्च और दो चम्मच धनिया पाउडर, इनको भी अच्छे से मिलाएंगे। इसको 3-4 मिनट के लिए खुले में पकाएंगे और उसके बाद में दही डालेंगे। दही से दोस्तों बहुत ही टेस्ट अच्छा बैठता है, इसलिए आज दही डालकर सब्जी बनाएंगे। ये देखिए दही डाला है, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए पलटे को चलाते रहेंगे, अगर पलटे को नहीं चलाएंगे तो दही है तो फट जाएगा, इसलिए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, दही है जो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको 5-7 मिनट के लिए ढकेंगे और गैस का फ्लेम है जो हाई कर देंगे। देखिए प्लेट हटा के देखते हैं, बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है दोस्तों, अच्छी खुशबू आने लगी है। देखिए ग्वार की फली हुई सब्जी गर्मियों में आसानी से मिल जाती है दोस्तों, इसे अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन प्रोटीन की मात्रा होती है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे, देखिए इससे टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है, इसको अच्छे से मिला देंगे और सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे, सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों,
ग्वार की फलियों की बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, गर्मियों में इसे अवश्य खाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सब्जी पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी आपको समय पर मिले। अच्छा, धन्यवाद।